हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, है ना। तो मैं इस वीडियो में लेने वाला हूं गामा फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस और गामा फंक्शन होता क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उस पर हम डिस्कस करेंगे बीटा फंक्शन क्या होता है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, राइट। गामा और बीटा का जो मेन यूज है वो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में होता है। जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स होते हैं उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, 0 to 1 एक्स पावर एन माइनस 1 की पावर माइनस एक्स डी एक्स गामा एन। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट गामा की कुछ वैल्यूज क्या होती है। पहली बात तो हम समझ लेते हैं कि गामा की वैल्यू किस तरह से, गामा 3 की वैल्यू निकालनी है आपको, राइट। तो गामा 3 की वैल्यू होती है 2 into 1, राइट। या हम इसको ऐसा भी बोलते हैं 2 factorial, क्या बोलते हैं इसको हम, 2 factorial बोलते हैं, क्लियर है ना। 2 factorial की वैल्यू कितनी होती है, 2 into 1, दैट इज इक्वल टू 2। जैसे आपसे बोले कि गामा 7 की वैल्यू निकालो, दैट इज 6 factorial, क्लियर है। फैक्टोरियल का मतलब समझते हो ना, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, क्लियर। एक गामा जैसे 3/2 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 गामा 1/2, और मैं बताऊंगा गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, रूट पाई होती है। सो दिस इज रूट पाई बाई टू, और ये मैं आपको बताऊंगा गामा 1/2 रूट पाई कब होता है, बीटा फंक्शन वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। आईटी पे आप देख सकते हैं, वहां पे आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। अब बात क्या होती है, जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, 0 to ∞ एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, 2 बार आईलेट लगाओगे, क्लियर है ना। आईलेट से इसको सॉल्व करोगे तो लंबा पड़ेगा, लाइट मैं आपको बोलूँ कि एक्स पावर 4 है तो 4 times इसको करना पड़ेगा। तो ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन को हम इस गामा वाले कंसेप्ट से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एन माइनस 1 है तो ये एन गामा इसका आंसर आएगा, दैट इज 1 बढ़ रहा है। तो ये गामा, ये यहाँ पे पावर 4 थी, यहाँ कितना आएगा, गामा 5 आएगा, है ना। गामा 5 का मतलब कितना होता है, 4 factorial, है ना, दैट इज 24 इज द आंसर, क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि 0 to ∞ एक्स पावर 7 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू कितनी होगी, गामा 8 होगी, क्लियर है। अब एक और फार्मूला आता है, और वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, है ना। ये फार्मूला क्या होता है, जैसे अगर आपसे ये पूछ ले यहाँ पे कि 0 to ∞ एक्स पावर एन माइनस 1 e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू होता है गामा एन अपॉन ए पावर एन, है ना। ये पावर ये a यहाँ आ गया, है ना। जैसे कोई आपसे पूछे कि 0 to ∞ एक्स पावर 8 e की पावर माइनस 4 xdx, है ना। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये पावर 1 बढ़ेगी ना, एन माइनस तो एन आएगा, दैट इज गामा 9, है ना। और ये a कितना है, 4 power 9, ये इसका आंसर आएगा, क्लियर है। तो हम बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गामा। अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस और कुछ प्रूफ है जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था गामा एन प्लस 1 की वैल्यू, गामा एन, जैसे मैं आपके सामने भी बताया कि गामा 7 की वैल्यू मैंने आपको बताई यहाँ पे कि ये 6 factorial होती है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6 गामा 6, है ना। फिर लिख सकते हैं 6 into 5 गामा 5, है ना। मतलब गामा 6 को हम लिख सकते हैं 5 गामा 5, ऐसे कम कम करते करते हम निकालेंगे तो अल्टीमेटली वो यही आएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रूफ होता है गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा एन, आपको पूछा जाए कभी कभी, तो हम क्या करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये फार्मूला किसका होता है, गामा एन का होता है। तो गामा एन प्लस 1 का फार्मूला क्या होगा, 0 to ∞, ये एन है तो यहाँ एन माइनस 1 है, तो यहाँ एन प्लस 1 होगा तो कितना आएगा, एक्स पावर एन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, है ना। जो भी पावर होती है उसकी एक कमियां होती है, तो एन प्लस 1 तो ये होगा, है ना। अब इसकी वैल्यू हम प्रूव करेंगे कि एन गामा एन आएगी, राइट। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप क्या होगा यहाँ पे एन प्लस 1, है ना। हम इसको क्या लगाएंगे यहाँ पे, आईलेट से सॉल्व करेंगे, ना। कैसे होगा देखिए आप, एक्स पावर एन को छोड़ा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस जिसको छोड़ा उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन, देन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, देन डी एक्स 0 to ∞, है ना। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स पावर एन, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एन एक्स पावर एन माइनस 1, और ई की पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है। ये लिमिट 0 to ∞ यहाँ डाल देता हूँ, और ये डाल देता हूँ 0 to ∞, क्लियर है ना। लिमिट मैंने ऊपर एक दूसरे पे चढ़ा दी। नाउ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ये 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना, एक्स की जगह 0 रखेंगे ये भी क्या आएगा, 0। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना, और ये n बाहर निकाल दीजिए तो ये आएगा एक्स पावर n e की पावर माइनस एक्स डी एक्स 0 to ∞। तो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आएगा 0 to ∞ एक्स पावर e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, और ये फार्मूला हमारे पास किसका होता है, गामा n का होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम n गामा n। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, है ना। सो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n होता है ना। एक क्वेश्चन वो देखिए, जैसे आपको ये पूछ रहा है कि आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, गामा n के बराबर है ना।
तो क्या करेंगे हम, यहां पे जो भी फंक्शन दे रखा है इसको आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, लेट लॉग वन प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो ये लॉग हम हटाएंगे, तो जैसे लॉग हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, वन अपॉन वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, ई की पावर माइनस एक्स, है ना, बिकॉज ये उल्टा होगा ना, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस e की पावर x माइनस डी एक्स, ये वैल्यू उठा के रखेंगे। तो स्टूडेंट ये 0 टू 1 है ना, यहाँ पे ये आ रहा है log 1 अपॉन y पावर n माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास क्या आएगा, देखियो जहाँ पे भी log 1 बाय वाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये x पावर n माइनस 1 डी वाई की जगह कितना आएगा, e की पावर माइनस डी एक्स। नाउ अभी लिमिट चेंज हो गई है ना, जहां पर भी x है ना वहां पे आप क्या रखिए, जीरो रखिए, राइट। तो जैसे x की जगह सॉरी y की जगह जीरो रखेंगे, तो ये y की जगह जीरो रखेंगे तो वन अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फाइनाइट। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, इन्फाइनाइट आएगी, है ना। और जैसे ही y की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे वन, तो वन अपॉन वन लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो लिमिट इस तरह से चेंज होती है। मैं फिर से बता दूंगा आपको, x की जगह मतलब y की, ये y है ना, y की जगह हम x की लिमिट ला रहे हैं ना, तो जहां पर भी y है वहां जीरो रखिए, तो वन अपॉन जीरो इन्फाइनाइट होता है, और इन्फाइनाइट की वैल्यू इन्फाइनाइट लेंगे हम, है ना। और लॉग वन, वन लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, राइट। तो ये माइनस है यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी, पहली बात तो माइनस बाहर निकाल लो, और जीरो से इन्फाइनाइट करेंगे तो अगेन फिर माइनस आएगा, है ना, x पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx, और स्टूडेंट्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, गामा के बराबर होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैं तीन से चार क्वेश्चन और लूंगा जिससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। सो स्टूडेंट ये तीन क्वेश्चन और देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं क्या करेंगे हम, यहाँ LHS लेंगे, है ना, जीरो टू इन्फिनिटिव e की पावर माइनस x स्क्वायर dx, तो हम क्या करेंगे, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 t माना, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, रूट टी होगी, तो ये आएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन रूट टी, है ना। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये आएगा 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये x की जगह 0 रखें तो t भी 0 ही आएगा, इन्फाइनट रखेंगे तो भी इन्फाइनट, लिमिट चेंज होने वाली नहीं है। सो e की पावर माइनस टी, और डी एक्स की जगह क्या रखेंगे अपन स्टूडेंट, डी टी अपॉन 2 रूट टी, क्लियर। नाउ क्या होगा यहाँ पे, 1/2 0 टू इन्फिनिटिव, ये रूट टी ऊपर गया तो टी की पावर माइनस 1/2 ई की पावर माइनस टी डी टी। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, गामा फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटिव एक्स पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स गामा एन होता है। ये जो पावर होती है ये यहाँ पे बढ़ जाती है और गामा में आ जाती है। तो यहाँ स्टूडेंट ये भी लगभग इसी टाइप का हो रहा है, देखिए, है ना, यहाँ पे पावर कितनी, माइनस 1/2, इसमें एक ऐड करेंगे, है ना, तो माइनस 1/2 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, तो ये यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, गामा 1/2, और मैंने बताया था स्टूडेंट गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट पाई होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और गामा 1/2 रूट पाई कैसे आता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इन बीटा फंक्शन में ये बताऊंगा कि कैसे इसकी वैल्यू 1/2 रूट पाई आती है, क्लियर। सो नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन ये वाला, इसको समझने की कोशिश करिए, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये दे रखा है, तो स्टूडेंट आप देखिए जो भी गामा फंक्शन का फार्मूला होता है, जिसमें आपको गामा फंक्शन का फार्मूला बताऊँ क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटिव एक्स पावर ई की पावर माइनस एक्स डी है, तो ये जो ये एक्स होता है ये पावर में नहीं होना चाहिए, इसकी पावर एक होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है 3 रूट एक्स, है ना, तो ये गड़बड़ कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस 3 रूट एक्स को क्या ले लेंगे, लेट 3 रूट एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, टी। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है, सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इसको ये लेना, लाइक जी देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये पावर सब 1 चाहिए ना, मतलब यहाँ पे इस टाइप का नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, किसको लेंगे, लेट के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम क्या लेंगे यहाँ पे, टी लेंगे, ध्यान देने की जरूरत है ना, तो उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ओके। नाउ क्या करेंगे, 3 रूट एक्स है ना, तो ये आएगा आपके पास, मैं इसको एक बार स्क्वायर कर दूं चाहूँ तो सबसे अच्छा रहेगा, तो ये कितना आएगा, 9x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पे, 9, ये उठा के हम रखेंगे वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटिव, है ना, रूट एक्स, तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, टी बाय 3, दिख रहा है, टी बाय 3, है ना, e की पावर माइनस टी, और dx की वैल्यू कितनी होगी, 2t dt अपॉन 9, है ना। सो ये आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट, 9 3 27, और ये आएगा 2, और ये आपके पास t की वैल्यू 1, पावर 1 है और ये 1, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटिव t की पावर 2 e की पावर माइनस टी डी टी, है ना। और मैंने बताया था ये पावर 2 है, तो एक बढ़ के गामा में आएगा, दैट इज 2 अपॉन 27 गामा 3, और गामा 3 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट,
गामा 3 की वैल्यू होती 2 इंटू 1 दैट इज 4 अपॉन 27 इज द राइट आंसर. सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, मैंने बोला ना यहाँ पे जो भी होता है क्योंकि गामा में यहाँ पे पावर जो होती है वो क्या होती है, वन, इसकी जो एक्स होती है इसकी पावर वन होनी चाहिए राइट, पर यहाँ पावर एक्स स्क्वायर आ रहा, तो फिर हम इसको एक नया पैरामीटर मानेंगे और उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, टी है ना. तो वही सेम क्या करेंगे अपन, टू के स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा डी टी. सो क्या आएगा स्टूडेंट, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन टू के स्क्वायर एक्स, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिए x की वैल्यू आएगी रूट टी अपॉन के है ना. तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डी टी अपॉन टू के स्क्वायर रूट टी अपॉन के, एक के से एक के कैंसिल, और ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे. तो स्टूडेंट देखिए जीरो, जहाँ पर x है वहाँ जीरो रखा तो टी भी जीरो आ रहा है, इन्फाइनेट पे भी इन्फाइनेट आ रहा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट टी अपॉन के पावर एंड e की पावर माइनस टी, और ये आएगा आपके पास डी टी अपॉन टू के रूट टी. क्लियर नाउ, अब क्या होगा स्टूडेंट देखिए आप यहाँ पे जीरो टू इन्फिनेटिव है ना, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टू है ये कॉमन निकाल लेते हैं है ना, के पावर एन है और ये के है तो ये के पावर एन प्लस वन भी बाहर निकाल लीजिए आप है ना. अब बचा कितना आपके पास, ये बचा रूट टी है ना पावर एन, और ये रूट टी पावर, तो ये रूट टी पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट देखिए आप वन बाई टू के पावर एन प्लस वन है ना, जीरो टू इन्फिनिटी ये हाफ है ना, तो ये हाफ नीचे जाएगा तो टी पावर एन माइनस वन बाई टू ई की पावर माइनस टी डी टी. ये लगभग गामा फंक्शन जैसा हो रहा है, तो मैंने बोला जो भी पावर होती है वो यहाँ एक बढ़ के गामा में आ जाती है, तो एन माइनस वन इसमें एक ऐड करेंगे तो गामा एन हो जाएगा. तो यहाँ पे जो पावर होती है एन माइनस वन बाई टू इसमें एक ऐड करेंगे हम और उसको गामा हम लिख देंगे तो वन बाई टू के पावर एन प्लस वन ये आएगा दैट इज एन माइनस वन बाई टू प्लस वन. क्लियर, मतलब इस पावर में वन ऐड कर देंगे और गामा में लिख देंगे. क्लियर, सो वन अपॉन टू के एन प्लस वन है ना, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा गामा एन प्लस वन बाय टू. सो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. सो मुझे लगता है आपको मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है और क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे. अब मैंने अभी अब आपको मैं बताने वाला हूँ बीटा फंक्शन पे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बीटा फंक्शन का कंसेप्ट क्या होता है. मेरे जो पुराने वीडियोस हैं मैंने जो डाल रखे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है प्लस बीएससी की जो मैथमेटिक्स है वो लास्ट में जो स्क्रीन है वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे. और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो में कहीं दिक्कत आ रही ढूंढने में कि सर मुझे पता नहीं पड़ रहा है ये वाला टॉपिक कहाँ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है कौन कौन से वीडियोज़ हैं. और स्टूडेंट्स मैं बता दूँ आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग कमेंट आते हैं, कुछ तो बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये टॉपिक में क्या करना है या वो टॉपिक पे वीडियो डाली है, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हमारी मिस्टेक्स निकालते हैं कि सर आपने वो वहाँ गड़बड़ कर दिया, सर आपने वहाँ प्लस की जगह माइनस लगा दिया. तो यार स्टूडेंट मैं यहाँ पे कोई क्लास सीधी सीधी ले रहा हूँ, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती कभी प्लस माइनस की, तो आप खाली कंसेप्ट फोकस करिए कि आपको बेसिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसमें आपको जिससे आपको क्वेश्चंस कर पाएँ. थोड़ी बहुत प्लस माइनस की मिस्टेक कभी कभी क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में हो जाती है, सो उसको आप थोड़ा सा नज़रअंदाज करें और अपने कंसेप्ट फोकस करें. आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, टीचर्स हैं कहीं कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, मेरे वीडियोज़ पर कमेंट और शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.